गाड़ी की फोटो दे। ये मेरी गाड़ी है जिसका नंबर है GJ06JF1012। तो ये RTO की पासिंग प्लेट लगी हुई है, ये मैंने ऊपर नंबर लिखवा रखा है, और ये मेरी कंपनी का नाम है। मैं यहाँ सेंधवा बॉर्डर पे कल सुबह से आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे से 12,000 रुपया खाली रिश्वत का मांग रहे हैं, जिसमें से मेरा ना हाइट है ना कोई साइड है, और मेरा गाड़ी अंडरलोड है। जिसके बाद मेरे से रात में 12 बजे बोले चलो ये अपना पुल्लर घोड़ा घोड़ा कांटा करवाओ। मैं घोड़ा कांटा करवाने गया, उसके बाद मेरा घोड़ा भी अंडरलोड पाया गया, उसके बाद भी मेरे से 12,000 रुपया इंट्री मांग रहे हैं। तो मैंने इंट्री देने से इनकार किया, तो मेरे वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तेरा 29,000 का 30,000 का ऐसा चलान कर देंगे। तो जब उन साहब लोगों के पास जाते हैं, देख लो एकदम अंडर साइज है, ना 1 इंच बाहर है, अंदर अंदर माल है, अंडर वेट है, जिसमें से मेरा गाड़ी 108 टन पास करता है, वज़न है कुल 30 टन, 108 में से 30 टन वज़न है कुल, कोई भी प्रकार का साइज नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये सेंधवा बॉर्डर, तो इनके बड़े अधिकारी है, उनसे मैंने एक बार संपर्क किया तो वो बोले मीटिंग में हूँ। उसके बाद सेठ लोगों ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो बाद में बोले कि हम रीजन पूछ रहे हैं। अभी इनका कोई भी प्रकार का रीजन अभी तक मेरे को नहीं मिला है, और ऊपर से ये लोग मेरे को दबाव बना रहे हैं कि या तो पैसा दे दे, नहीं तो ऐसा केस ठोकेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे को यहाँ पर डरा रहे हैं। अभी ये मेरा टोटल टायर चालू टायर है, टोटल ब्रेक है, कोई भी प्रकार की मेरी गाड़ी में कमी नहीं है, उसके बाद भी परेशान किया जा रहा है। हाँ, दूसरी बात मेरे को बोल रहे हैं कि भी 8 टायर तेरा रिमोंड है। चलो ठीक है, 8 टायर मेरा रिमोंड होगा, तो 8 टायर मेरा रिमोंड है, उसके बाद 8 टायरों का अगर चलान करे तो भी और जो गाड़ियाँ जा रही एंट्री दे दे के उनका क्या चलान हो रहा है। अब मैं नितिन गडकरी साहब से भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ CM जो शिवराज सिंह जी चौहान हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भी अगर आपने अगर लेटर लिख दिया नितिन गडकरी साहब, तो यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये भारत देश से अलग है या हम लोगों को परेशान करना है? आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, RTO और टोल अधिकारी आपको GVW पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।